लीजिए सुनिए नमक का दरोगा कहानी का सारांश। कहानी लिखी है प्रेमचंद जी ने और वाचन है महिमा गर्ग के द्वारा। नमक का दरोगा कहानी मानव मूल्यों में आस्था जगाने वाली एक बहुत ही सुंदर कर्तव्य निष्ठा को दर्शाने वाली कथा है। जब से नमक बनाने पर रोक लगी तो सरकार में एक नया नमक विभाग बना दिया गया। इसमें इंस्पेक्टर के पद को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाने लगा, क्योंकि इस विभाग में चोरी से जो नमक जाता था उसके बदले में रिश्वत अच्छी मिल जाती थी। इसलिए यहाँ नमक के दरोगा का पद पाने के लिए बड़े बड़े ऑफिसर्स भी इच्छित रहते थे। उन दिनों फारसी में कुछ कविताएं और प्रेम कथाएं पढ़ने वाले लोगों को भी जल्दी से अवसरी मिल जाती थी। बाबू वंशीधर भी लैला मजनू फरहाद आदि के प्रेम वृतांत सुनकर रोजगार ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और जब वो रोजगार की तलाश में जाते हैं तो उनके पिताजी उन्हें कहते हैं कि ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपर की इनकम हो, यानी रिश्वत से कमाई होती हो। उनका इसके प्रति एक तर्क होता है कि जो इनकम मिलती है, सैलरी मिलती है, वह तो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो ऊपर की आमदनी है या रिश्वत की कमाई है वही ऐसा झरना होता है जो हमेशा चलता रहता है और उससे हमेशा आय मिलती रहती है, इनकम मिलती रहती है। ऐसा देश पाकर के वंशीधर नौकरी करने के लिए चला जाता है और उसे नमक का दरोगा बनने का सौभाग्य मिलता है। जैसे ही सभी परिवार वालों को और आस पड़ोसियों को यह खबर मिलती है तो सभी खुश हो जाते हैं कि इस विभाग में उसे ज़्यादा रिश्वत मिलेगी। एक दिन सर्दी की रात में जब वंशीधर सो रहा होता है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, और जब वह नींद से अचानक जागता है तो उसे पुल पर से गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और वह हड़बड़ा जाता है और देखता है कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही थी। वह डांटकर पूछता है कि गाड़ियां किसकी हैं, तो थोड़ी देर सन्नाटा छा जाता है और पता चलता है कि पंडित अलोपी दीन की गाड़ियां हैं जो दातागंज का रहने वाला है और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी है। अंग्रेज़ों से भी उसका अच्छा उठना बैठना है और उन्होंने पता लगाया कि गाड़ियों में नमक ले जाया जा रहा है। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर बैठे हुए थे और लगभग आधे सो रहे थे जब उन्हें पता चलता है कि गाड़ियों को पकड़ लिया गया है और वे घाट पर आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन को अपनी धन की ताकत पर पूरा भरोसा था और उन्हें लगता था न्याय और नीति तो वह कभी भी खरीद सकते हैं और यह सब तो लक्ष्मी के खिलौने हैं। अतः वो निश्चित होकर के दरोगा के पास जाते हैं। वंशीधर ने सरकारी हुक्म की चेतावनी उन्हें दी और तब अलोपी दीन उन्हें रिश्वत की पेशकश करता है, लेकिन वंशीधर रिश्वत नहीं लेता है और कहता है कि हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। हिरासत में होना होता है जो जेल में जिसे डाला जाता है, कोई भी गलत रिश्वत वगैरह की पेशकश कर देते हैं वह। दरोगा ने बदलू सिंह को सेठ जी को हिरासत में लेने का हुक्म सुनाया, किंतु अलोपी दीन के प्रभाव के कारण वह उन्हें छू तक नहीं पाया। अलोपी दीन को यहाँ पर आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति उनकी रिश्वत को स्वीकार नहीं कर रहा है। अब उन्हें लग रहा था कि धन को धर्म के आगे वह हारते हुए देख रहा था, और फिर वह गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं वंशीधर के सामने, लेकिन वंशीधर पर इसका कोई असर नहीं होता है। सेठ जी ने 1000 रुपये तत्काल देने की बात कही, लेकिन वंशीधर कहता है 1000 नहीं,
1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते हैं। सेठ जी ने रिश्वत 10, 15, 20, 30, 40 हज़ार तक बढ़ा दी, लेकिन वंशीधर नहीं मानते हैं और हिरासत के आदेश दे देते हैं। अगले दिन दुनिया ने सुना तो बहुत बातें हुई, पंडित जी के व्यवहार की काफ़ी निंदा हुई, बेईमानी और भ्रष्टाचारी जो ऑफिसर्स थे उन्होंने भी काफ़ी टीका टिप्पणी की। फिर अलौपी दिन अदालत में आते हैं और उन्हें ऐसी हालत में देख कर के सारा शहर उमड़ पड़ता है। भागा दौड़ी, हलचल, लोग आने लग जाते हैं, वकील आ जाते हैं और वकील उन्हें बचाने के लिए काफ़ी दाव पेच सीख करके सुन करके आते हैं। इधर वंशीधर के पास कुछ भी नहीं था, उनका बस उनकी सच्चाई और उनकी ईमानदारी उनके साथ थी। इस तरह से न्यायालय सेठ जी के चरणों में झुक जाता है और मैजिस्ट्रेट यह लिखता है कि पंडित अलौपी दीन बहुत ही बड़े आदमी हैं, इसलिए वह अपने लाभ के लिए कोई छोटा काम नहीं कर सकते हैं। वंशीधर की नमक हलाली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, अतः उन्हें सावधान रहना चाहिए। यानी कि फैसला अलौपी दीन के पक्ष में सुना दिया जाता है। वंशीधर को यहाँ बहुत ही अपमानित महसूस होता है। बड़ी बड़ी उपाधियाँ, ढीले ढाले चोगे सब निरादर के योग्य हैं, उसे ऐसा लगता है। और 1 सप्ताह बाद ही उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। जब घर वालों को यह समाचार मिलता है तो वह माथा पीट लेते हैं और पिताजी को भी बहुत गुस्सा आता है, माँ और पत्नी भी नाराज हो जाती हैं। 1 सप्ताह बाद सेठ अलौपी दीन वंशी के घर आते हैं। उन्हें आया देखकर वंशी के पिता अपनी बदकिस्मती का रोना रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि उनका बेटा कितना मूर्ख है। लेकिन अलौपी दीन उन्हें चौंका देते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा तो अमूल्य है, आपका बेटा बहुत ही अच्छा है, ऐसा धर्मपरायण मनुष्य तो बहुत मुश्किल से मिलता है। और वह वंशीधर से कहते हैं कि आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में आया हूँ, मैंने इस दुनिया को खरीद कर गुलाम बना लिया, लेकिन मैं केवल आपसे हारा हूँ। और वे कहता है कि मैं आपको एक रिक्वेस्ट लेकर के आया हूँ। सेठ जी की यह विशालता देख करके वंशीधर बाबू पिघल जाते हैं और तब सेठ जी ने वंशीधर के सामने प्रस्ताव रखा कि वह उनकी सारी संपत्ति का मैनेजर पद स्वीकार कर ले और उसे 6,000 रुपये वार्षिक तनख्वाह दी जाएगी। इसके अलावा सवारी के लिए घोड़े, बंगला और नौकर चाकर भी दिए जाएंगे। यह प्रस्ताव सुनकर के वंशीधर कहता है कि मुझ में ना विद्या है, ना बुद्धि है, ना अनुभव है, लेकिन वंशीधर को वह नौकरी पर रख लेते हैं और कहते हैं कि मुझे किसी भी चीज़ की चाह नहीं है, मुझे अनुभव भी नहीं चाहिए, विद्या भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो आप जैसे व्यक्ति को चाहता हूँ। और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि जो उस पुल के पास मुझे दरोगा देखने को मिला था, वही दरोगा मैं हमेशा देखता रहूँ, वही कर्तव्य परायण दरोगा हमेशा ईश्वर आपको बनाए रखे। इस प्रकार से वंशीधर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है। अलौपी दीन भी इससे खुश होकर के उसे गले लगा लेता है। यह एक सच्चे और ईमानदार दरोगा की कहानी है, नमक का दरोगा।